विलय जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ। तो नया दिन, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग एंड लर्न समथिंग न्यू, कुछ तो भी नया सीखने का। मैंने कहा था कि तुम हो कौन इस जिंदगी के बारे में इतना, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ कहूँगा, मैं ये अचीव करूँगा, या फिर तुम्हारी वजह से दुनिया में जो इल्यूमिनाटी सोचती है, जो कबाल सोचता है, जो चाचा सोचते हैं कि हम इस दुनिया में इम्पैक्ट डालेंगे। 60 साल की जिंदगी है, कितने 60 या 65 साल की, एक साल में 365 दिन भी पकड़े ना तो 50 साल के हार्डली 15,000 दिन होते हैं, 60 साल के 20,000 दिन। तुम 20,000 दिनों के लिए यहाँ पे आए हो और तुम 20,000 दिनों के लिए ये सोच रहे हो कि ये दुनिया तुम्हारी बाप की जागीर है, जो चाहोगे यहाँ कर दोगे, और तुम्हें सवाल यहाँ पे कोई नहीं उठाएगा, कोई तुम्हारे यहाँ पे कोई जो कर रहा है वो सही है गलत है इसके बारे में पूछेगा नहीं। 20,000 दिनों के लिए आए इस दुनिया में, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है बोलने की, नहीं मंगलवाणी सॉरी क्यों बोलेगा, ये हमारे से उपाध्याय जी है, उपाध्याय जी वो चंद्र ग्रहण हुआ था, हाँ, तो उस पे वीडियो डाला था, तो मंगल ने उसके नेक्स्ट डे मैडम के ऊपर और मेरे ऊपर गालियां देने और एक वीडियो डाला था। वकील साहब है, उपाध्याय जी वकील साहब है, वकील साहब ने सर क्या किया था, आप नहीं बोलेंगे, वो वीडियो डिलीट करवा दिया था। वकील साहब ने एक ही धमकी दी थी, मेरे ऊपर तूने जो वीडियो डाला है, मेरा नाम जो लिया है ना, राजस्थान में आके तेरे एफ आई आर फाड़ दूंगा। एक अधिवक्ता के ऊपर तूने वीडियो कैसे का नाम लिया, इतना लंबा जाने वाला है मंगल, इतने गलत जगह पे उसने गलत गलत लोगों पे कमेंट किए हुए, उतने गलत गलत उसने कमेंट किए लेडीज के ऊपर, कमेंट किए हैं लेडीज के ऊपर, उसने जो एलिगेशन लगाए हैं, सॉरी फोन आया था। तो मंगल नाटक कर रहा है, मंगल रोने का नाटक करता हर बार करता है, इसके पहले भी। और मंगल की अब थोड़े से मैं आप जानकारी देता हूँ, आज से 6 महीने पहले मंगल ने हिसार के अंदर एक प्रोग्राम रखा था स्टार्टिंग में, वो जो है ना वो जीएसएम बीएसएम कुछ तो मोर्चा मोर्चा वाली हरियाणा वाली पार्टी, उसके साथ उसने एक मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में ना प्रकृति मैडम को और मुझे इन्वाइट किया था, और उस वीडियो उस प्रोग्राम में उसने एक वीडियो डाला था और उसका टाइटल था कि बलि दी जाएगी, बलि दी जाएगी, किसकी बलि देने जा रहे थे आप उस हिसार के मीटिंग में, आप किसकी बलि देने जा रहे थे, प्रकृति मैडम की थी या मेरी थी, डॉक्टर आजाद की आपने दी है, ये मोर्चा पार्टी नहीं है, ये बलि पार्टी है, ये बलि देती है। हमने तब समझ, लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा ही किसी चीज़ों का, कोई मुझे बहुत क्लोज आते हैं तो मैं उसके ज़्यादा सवाल में उठा लेता हूँ, और उनको लगता है कि डॉक्टर हम पे शक कर रहा है, शक नहीं भाई साहब, हमको हम जिस फेस से गुजर रहे हैं। और रही बात मंगल की, मंगल ने जब ग्रुप बनाए थे तो उसमें कई सारे लेडीज थे, यहाँ पे कई सारे लेडीज का मैं नाम नहीं लूँगा, मगर उनको पता है एक असभ्य भाषा का उसने उपयोग किया था और भद्दी लेवल की उसने बातें की थी, इवन उसके वजह से उसने जो एलिगेशन वो लगा रहा ना बिना हाथ पैर के, उसको सपोर्ट है मुझे पता है हरियाणा का, उसका जो हैंडलर है, क्योंकि इल्यूमिनाटी में हैंडलर रहता है, इसको जो अभी अभी बच्चे आए ना इस दुनिया में इल्यूमिनाटी के, हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं इल्यूमिनाटी क्या है। तुम्हारा जो हैंडलर है ना संजय, तुम्हारा और उसका क्या बातें हुई थी हिसार के मीटिंग के पहले, कितने पैसे तुम्हें मिले हैं, वो व्हाट्सएप की चैट तुम्हारी ओपन कर डालो। जब मैडम तुमने कहा था कि बलि दी जाएगी, एक बलि दी जाएगी, तो किसकी बलि की बात की थी, तो प्रकृति मैडम ने तुमको रात के 12 बजे तक फ़ोन किए थे कि तू किसकी बलि की बात कर रहा है, तब मंगल क्यों जवाब नहीं दे रहा था। आज दो बुड्ढों को मिल गया है साथ, सपोर्ट मिल गया है हरियाणा से, पैसा मिल रहा है,
आज तुम इस लेवल पे जा रहे हो, तुम पे 498 भी लगेगी मंगल, हरासमेंट जो कर रहा है तूने औरतों की, वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, महिला है नारी शक्ति में, जिन्होंने खुल के बोला है कि एक असभ्य भाषा का वर्ताव किया था, और वो जो है ना वो मोर्चा पार्टी उसका सिंबल इल्यूमिनाटी का है, अच्छे से देख लो, ये सारे के सारे सेव द सॉइल के मेंबर है, ये सारे के सारे सेव द सॉइल के मेंबर है, ये आप लोगों को बहका रहे, बहकी है, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, हमें जो करना हम कर रहे हैं। मैं आया था आज का टाइटल देने की, और आज वकील साहब है हमारे साथ, उन्होंने बात हुई हमारी उपाध्याय साहब, अगर मंगल कुछ करेगा तो वो वीडियो उसने डिलीट किया था ना पर्सनल एलिगेशन के ऊपर, इनकी FRI, और खुद वकील है तो खुल और अच्छे से लड़ेंगे, और हमारे हिसाब हमारे तरफ से भी लड़ेंगे, क्योंकि तुम जिस तरह से उठ किसी को भी एलिगेशन कर रहे हो, एक वकील के ऊपर तुमने एलिगेशन लगा दिया, वो मेरे पास मेडिटेशन को आए थे, किसी के मेडिटेशन के किसी पर्सनल लाइफ तुम्हें हक नहीं है मंगल, FRI फाट जाएगा, मोर की सत्ता ही चल रही है, चक्की पीसोगे। तुमने क्या कहा, प्रकृति मैडम को 4 बार जेल हुई है, हे तेरे 498 लग जाएगी अगर प्रकृति मैडम ने केस ठोक दी ना, लेडीज ने तेरे पे 496 ठोकी हुई है, 2 UP में और हरियाणा में, हमें ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, हमें बहुत कुछ पता है, और ये पर्सनल लेवल पे अभी जा रहा है, ये अंजना जी, लीना जी, ममता जी, इनके पीछे ये इसने ट्रोलर भाई के रखे हुए है, ये पर्सनल अटैक कर रहा है लेडीज के ऊपर, गवर्नमेंट में दम है ना मोदी के जाके पूछ, बिल गेट्स को पूछ, जियो में क्यों दे रहा है, 3+2G क्यों दे रहा है, क्या लड़ औरतों के पीछे भाग रहा है तू, क्या औरतों को अटैक कर रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है, मर्द है ना लड़ न मर्द की तरह, क्या डाला तूने अंजना जी के वीडियो के टाइटल, सोचा जाए उसके घर पे जाया जाए, और हम सब अपने टीम को लेके उसके घर पे जाएंगे, तो मेरे घर पे आ, तेरी टांग नहीं तोड़ी मैंने, विसल ब्लोअर के घर पे तू आदमी लाएगा, मजाक लगता है, तो पता है विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, एक नहीं 4-4 है केसेस क्या, और रही बात अंजना जी के घर पे जाने की, गलती से गलती मत जाना वो आदिवासी समाज से आती है, वो आदिवासी समाज से आती है कि हाथ पैर काट डालेंगे ना कोयते से बुड्ढे प्यार से बता रहा हूं मैं तेरे को, तू बहुत गलत कर रहा है, तू बहुत गलत पंगे ले रहा है, जब हम लड़ सकते हैं ना मोदी से, बिल गेट्स से, इल्यूमिनाटी से, तू उसके सामने चीटी भी, तेरे को सीरियसली नहीं ले रहा था, तू कान पे चढ़ रहा है मेरे, बोला यार अच्छा है नॉलेज दे रहा है इसलिए तेरा नाम लिया, तेरे को हमने बड़ा किया तो हमारे कान में मुद रहा है, प्यार से बात कर रहे, प्यार से बात कर रहे, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, तू लेडीज को तेरे को फोन करके बोल सकता मैं, भैया जब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ 4-4 राज्य, तेरे घर पे आने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और तेरी इतनी है नहीं कि तेरे को इतना वैल्यू दूँ मैं, मगर तू है ना लेडीज के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, तू अंजना जी पे, लीना जी पे जो पर्सनल अभी भेज रहा है लोग 498, वो तो फंसेंगे, तेरे को फंसना पड़ेगा, और तू जो धमकियाँ दे रहा है ना पे जाएंगे लोग लेके जाएंगे, कौन सा लगता है सर केस धमकी देने का घर पे जाके मारने की, 153 वकील साहब से पूछ रहा हूँ सलाह, कि जो जो तुम क्या दे रहा है ना कि घर पे जाएंगे उसके अंजना जी के घर पे लेके जाएंगे टीम अपनी, जो जो तेरी टीम में है ना उन सब पे लगेगी केसेस, तुम प्रोवोक कर रहे हो उसको, तुम एक अबला लेडीज के घर पे जाके मारने की और हिसाब लेने की धमकी कर रहे हो, 153 भी लगा 429 भी लगेगा, और अटेम्प्ट ऑफ 307 भी लगेगा, तू हाथ लगा सिर्फ अटेम्प्ट ऑफ 307 भी लग जाएगा, और तेरे साथ जो संजय है ना तेरा हैंडलर, जहाँ से फंडिंग आ रही है तेरे को, वो बुड्ढे को भी जा रही है गुजरात वाले, सबको फंडिंग मिल रही है, और तुम हमारे पीछे लगे हो, दम है ना जाके बिल गेट्स को पूछना, दम है तो तेरे मुख्यमंत्री को पूछ, तूने क्यों लॉकडाउन लगवाया था, तूने क्यों पेनल्टी का कंपलसरी किया था, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है तू हमारे साथ खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो है क्या तेरी, दिन भर यही करना है हमको, उठ सुटते रहे से, मैंने कहा ना एक किसी को वैल्यू देने के टाइम रहता है, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, अब जो बात है ना अब वकील साहब देख लेंगे तेरी, तूने जो कहा था ना उनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन, तूने वीडियो डिलीट किया,
वो जो था 6 महीने पहले का हिसार का, जो बलि की बात तू कर रहा था, किसकी बलि थी? प्रकृति मैडम की बलि देनी थी या मेरी बलि देनी थी? जो तू कॉल पे कॉल कर रहा था कि आप आइए आइए आइए, वो वीडियो तूने डिलीट कर दिया। बलि देने के बाद क्या होता था और क्या मिलता था तुझे? कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, भूकूफ आदमी, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तुम कैदे हो, तुम कैदे हो, कुछ नहीं मिलता है। हम तो पता है आज नहीं तो कल उड़ाएंगे कोई ना कोई, इतने बड़े लोगों के खिलाफ पंगा लिया है तो ये फिक्र नहीं है कि आज उड़ेंगे कल उड़ेंगे, उसका डर भी नहीं है। हर साल 135 मार डालते हैं विसल ब्लोअर्स, आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर लगेगा, कोई फर्क नहीं करता है। कम से कम साले दल्लों की तो जैसे दल्ले बन के तो नहीं बैठे किसी के, किसी के थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, जो है समाज के लिए दे के जा रहे हैं। तू और अगर करेगा मंगल और वो बुड्ढा गुजरात, तुम पर्सनल एलिगेशन पे जाओगे, तुम एक विसल ब्लोअर को, तुमको पता है बेवकूफ आदमी हो तुम, जिसके बातों में आ रहे हैं ना, वो क्यों नहीं कर रहा है मेरे खिलाफ कुछ? उसे पता है मेरे पास स्पेशल राइट है विसल ब्लोअर का, मेरे पास स्पेशल राइट है विसल ब्लोअर का, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास वो राइट्स नहीं है। पता है गुजरात के ही एक बंदे ने सिर्फ एक वीडियो डाला था पनीर टिक्के के इंग्रेडिएंट्स का, 3 दिन के लिए गया था अंदर। क्या भाई बाप, मजाक में मत लो, मैं अभी है ना बड़े टारगेट को लड़ रहा हूँ, इसलिए छोटे लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मच्छर मारने के लिए बंदूक गोली यूज नहीं की जाती है, तुम मच्छर भी नहीं हो। 50-60 व्यूअर्स लेके तू बैठा है। डॉक्टर साहब लोगों ने मजाक बनाया था तांडव तांडव का, अब हमारे पंजाब और हरियाणा हिमाचल और राजस्थान में कुदरत ने फ्लड से ज़बरदस्त तबाही मचाई है। कुदरत कभी भी हारती और झुकती नहीं है। जगजीर मांझी, मैं बहुत कल वीडियो देख रहे थे, हम आए और न्यूज़ चैनल ऑन किया और जब देखा पंजाब के नदी नहीं वो समंदर लग रहा था, इतना भयानक स्वरूप था और बुरा लग रहा था कि लोगों ने माना नहीं। लोगों ने कितना है, लोगों ने माना नहीं, लोग कह रहे तांडव चाहिए तांडव चाहिए तांडव चाहिए। और ये जो हालात है ना, ये बस शुरुआत है, ये शुरुआत है, इससे बद से बदतर हालात अगले साल हो जाएंगे और उससे अगले साल हो जाएंगे। ये सिचुएशन अब रुकने वाली नहीं है। देर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर एनर्जी टाइम ऑन मिरर पीपल एंड इश्यूज दे आर अवेक अवे योर फोकस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ योर वर्क। अमोल भारत जी, बिल्कुल मैं यही मैं यही बोल रहा हूँ मैडम, छोड़ दो उस आदमी को, मत दो यार वैल्यू उसको, आप बाप दाल बोलते उसको बात करो इसलिए बात करता हूँ, वरना मैं उसको चिल्लर है, वो चिल्लर आदमी मेरे लिए, जिसको हमने बढ़ा गया वो उसके क्या बात करते उसके ऊपर। महाराज उसका पड़ने शक्यता है का, हाँ गिरेगा, कुछ भाग में ज्यादा पुष्टि हुई कुछ भाग में बराबर का, तो लेट इट बी, उसको छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा था नया डे नया नॉलेज, तो आज जो है मेडिटेशन पे एक 2 डे शिविर थे, यही तो नया कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज़ का चीज़ें क्लियरिफाई नहीं थी, हर गुरु के पास कुछ ना कुछ अलग होता है और इस यात्रा में इस जर्नी में कई गुरु मिलने वाले हैं, कई बातों का ज्ञान, कई तत्वों का ज्ञान और कई शस्त्रों का ज्ञान मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा।